आज हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है कोढ़ा में, और विवाह भवन मुसापुर के पास में हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, और सीमांचल के सबसे चर्चित डॉक्टर है, मशहूर है डॉक्टर अंगद चौधरी जी, वह भी हमारे पास मौजूद है। कैमरा में इधर दिखाइएगा, और ये पेशेंट भी इस हॉस्पिटल में आए हुए, क्या हुआ था भैया? दिखाने आए, क्या जानकारी हुआ जो यहाँ पे आप पहुँचे? जानकारी पहले पूर्णिया में देखा, उसके बाद यहाँ पे आए। पूर्णिया में दिखाए थे? कहाँ पे दिखाए थे? पूर्णिया में लाइन बाजार में दिखाए। तो क्या कैसा इलाज करते हैं? बढ़िया इलाज करते हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? मेरा घर गोंदवाड़ा पड़ता है। गोंदवाड़ा से आए हैं? सर के बारे में कैसे जानकारी हुआ कि अंगद सर जो है वहाँ पे कितने दिन का है? अच्छा है, आज जानकारी हुआ, आज जानकारी हुआ, इसलिए दिखाने आए हैं। सर के पास हम मौजूद हैं, सर से भी हमारा सवाल है, जितना भी कहूँगा फोकस कीजिएगा। सर, हेयर केयर हॉस्पिटल आरब हॉस्पिटल है सर, और काफ़ी चर्चित है, और सीमांचल में काफ़ी मशहूर भी, और जैसे कुरसेला ले लीजिए, उसके बाद धमधा ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, कहीं भी अगर आपका नाम डॉक्टर अंगद कुमार चौधरी बोले तो सर काफ़ी मशहूर है। सर, क्या बात है सर, इस क्षेत्र में आप कोढ़ा गेरा वाली ऐसे जगहों में सर आप क्लिनिक खोले हैं, क्या लोगों को सुविधा देना चाहते हैं बताइए सर? धन्यवाद अमित जी, आपको भी पता चला होगा, आप इस रोड से क्रॉस कर रहे थे, मिले तो आप आ गए, इसलिए तह दिल से धन्यवाद। आज दिन भी बहुत अच्छा था, स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है, हम लोग भी बहुत बिजी शुरू में। क्लिनिक तो पहले से था, लेकिन यहाँ के ही पब्लिक के स्थिति, मेरा घर कुरसेला पड़ता है, कुरसेला में भी बहुत आदमी आते थे, सर पूर्णिया जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कुरसेला में भी हम बृहस्पतिवार को टाइम देते हैं 2 घंटा। यहाँ से मेरी बगल में मौसी का घर है, जाम रहे माँ के बाद मौसी का ही स्थान आता है, इनका ही मतलब रिलेशन में आते हैं, उनका था कि कोढ़ा में भी थोड़ा सा समय दिया जाए, तो हम लोग ने विचार किया कि नहीं, यहाँ के भी पब्लिक को, आसपास के पब्लिक को थोड़ा समय निकाला जाए इनके लिए। चूँकि हम बहुत नीचे से आए हैं तो हमको पता है कि इलाज जो है ना यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट में, तो प्राइवेट को ज़्यादा प्रेफर करता है, चूँकि हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो घर के पास अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम मिल जाए तो यहाँ के पब्लिक को थोड़ा सुविधा मिलेगी, थोड़ा आसान मिलेगी। बिजी शेड्यूल में हम भी प्रयास करते हैं कि ऑफ टाइम में आके यहाँ सर्विस दें, और यहाँ पर नबीर जी हैं, निकल जी हैं, अकरम जी हैं, दीपक जी हैं, ये सब मिल के हमको भी होस्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और भी डॉक्टर का इन्होंने टीम बनाया है, जो पूर्णिया के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आभा प्रसाद गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर सुभाष कुमार हैं, राजू कुमार स्पेशलिस्ट बच्चे के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश कुमार मेडिसिन, डॉक्टर प्रीतम कुमार सर्जन, डॉक्टर कपिल अमित रेसिडेंट यहाँ पर डॉक्टर गोकल हैं, डॉक्टर श्याम किशोर मेडिसिन से, और भी ENT स्कीम ये सब डॉक्टर को टीम के तहत अलग अलग टीम बुला के अलग अलग विधाओं को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर तो छोटा सिंपल केस के लिए जो यहाँ लोकल लेवल पर मैनेज कर सकते हैं, पीकू और नीकू तो बगल में चल रहा है, इन्हीं लोग के द्वारा चला रहे हैं, और ICU का भी सुविधा दिया गया है, जो कि कम सीरियस मरीज हैं, जिसका इलाज यहाँ संभव हो सके, कम पैसे में, कम सस्ते इलाज में, और मेडिकल की भी सुविधा है, नीचे बेसमेंट में पैथोलॉजी का भी सुविधा इन लोगों ने रखे हैं। धीरे धीरे जब पब्लिक का डिमांड बढ़ेगा, अवेयरनेस में, ये लोग भी इस हॉस्पिटल को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। और हमारे संयोग से चूँकि मेरा क्लिनिक पूर्णिया में है, ढेर सारा फंक्शन था, हमारे जितने भी कर्मचारी थे, मेरे मुख्य अतिथि, मेरे फादर इन लॉ भी आए हुए हैं यहाँ, क्योंकि आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं और अपने विधा में बहुत उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, और इनका ढेर सारा कार्यक्रम चलता है, और हर घर आयुर्वेद के रूप में, अमृत आयुर्वेद के रूप में, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस शुभकाम में अपना बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी यहाँ आए, और यहाँ के पब्लिक ऊपर में हैं, जो कि थोड़ा देर में आप उद्घाटन करेंगे, इन्हीं के हाथों से उद्घाटन करेंगे हम पीकू और ICU का, चूँकि क्लिनिक तो पहले से ही थी, तो जो पब्लिक को आप भी जनाएंगे कि यहाँ जो सुविधा हो सकता है मिनिमम रिसोर्स से प्रयास करें कि वह पूर्णिया नहीं जाना पड़े। छोटा मोटा बीमारी, जो कि छोटा मोटा बीमारी के लिए कटल फटल छोटा सा इलाज के लिए पूर्णिया नहीं जाना पड़े, मकसद यही है कि आसपास सुविधा मिल जाए, और इसके लिए तह दिल से आपके टीम को आप आए, धन्यवाद। सर, एक बात में सारा कुछ बता दिए, और सर के पास में कितने डॉक्टर का पूरी टीम है सर? लगभग तो 7-8 डॉक्टर की टीम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और मैंने भी ऊपर देखा है, इस क्षेत्र में आसपास में कहीं नहीं है ICU की व्यवस्था, और
यहाँ पे आईसीयू खुलना बड़ी सौभाग्य की बात है और हम लोगों के लिए खुशी का भी बात है कि एनएस से सटा हुआ है यह हॉस्पिटल। अगर आए दिन अगर कोई घटना होती है तो हम लोग तुरंत आ सकते हैं, चाहे हम रहे या कोई भी रहे इंसान, और नेशनल हाईवे चाहे कुर्सेला रहे समेली रहे, और लोगों को दूर जाना पड़ता है, जैसे कटिहार जाना पड़ जाता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, और तुरंत में वो यहाँ आएंगे और जो भी उसकी जो भी तुरंत यहाँ सुविधा है सर मिल जाएगा यहाँ पे अगर हम सही है तो। प्रयास रहेगी सर जो सुविधा देने की, कम से कम तो फर्स्ट एड तो जरूर होगा जो हो सकता है। पूर्णिया वाली सुविधा तो नहीं दे सकते हैं सर क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत ही एडवांस है, लेकिन प्रयास रहेगी जो सिंपल मैनेजमेंट हो सकता है वो जरूर मिलेगा सर। सर यहाँ पे बता दिए हैं और बहुत अच्छा, देखिए मैं पूरा आपको बताता हूँ, मैं ऊपर गया हूँ, ऊपर भी दिखाएंगे आपको, स्क्रीन में दिख रहा होगा और सारे यहाँ थोड़ा कैमरे में घुमा दीजिएगा, ये सभी आए हैं, कहाँ से आप आए हैं, क्या लग रहा है आपको सर यहाँ पे जो क्लिनिक खुला है थोड़ा बताइए इसके बारे में। मेरा घर मुसाफिर हुआ है, मेरा नाम मोहम्मद रईस सर, हम इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा इस क्षेत्र में ये खोले हैं डॉक्टर साहब, अंगद सर बता रहे थे हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं, काफी चर्चित हैं, और सर ये क्लिनिक जो है सर की टीम है, सभी लोग ने मिलकर ये सहयोग से किया है, तो क्या कुछ है यहाँ के लोगों को फायदा होने वाला है? यहाँ के लोगों को तो बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ जो हठात कोई घटना हो जाता है तो उसके लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, वो घटना से बचने के लिए तुरंत रोकथाम के लिए हम लोग यहाँ पे तुरंत लाके उसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए पूर्णिया जाने में होता है क्या टाइम लगता है, जिससे कि दुर्घटना पूरा होकर आदमी का डेथ भी हो जाता है, उसके कारण उसे बताने के लिए यहाँ पे जल्द जल्द सुविधा हो। आप बताइए आप भी आए कहाँ से आए हैं? कुर्सेला से। क्यों आए हैं? लोकल में यहाँ पर हॉस्पिटल खुला था, ओपनिंग हुआ था डॉक्टर अंगद सर का, तो कुर्सेला से ही डॉक्टर अंगद सर बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो हमको लगा कि वहाँ पर मेराबाड़ी के बीच में 25 किलोमीटर का फासला हुआ है, 25 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा और लग जाता है, कुर्सेला से जाने में बस 2 घंटा लगता है, 1 घंटा का बचत हो जाएगा, जिससे हमारा मरीज को कोई भी यदि इमरजेंसी काल में घटना घटती है तो उसको दिखाने के लिए हमको 1 घंटा समय मरीज का जान बचाने के लिए बहुत कीमती समय होता है, इसलिए हम यहाँ आए। एक बात बताइए सर का क्लिनिक है हमारे यहाँ, सर कैसा इलाज करते हैं? काफी चर्चा होता है क्षेत्र में, अच्छा करते हैं, जो अच्छा करते हैं उसका नाम तो होना तय है, उसके साथ बाबा बजरंग बली का आशीर्वाद है, समाज का भी आशीर्वाद हो जाता है। आप ये बताइए आपको क्या लगता है सर अच्छे इलाज होते हैं? डॉक्टर अंगद सर समाज सेवी कैटेगरी से आते हैं और सर गरीबों का विशेष करके ध्यान रखते हैं कि कम से कम खर्च में हम उसका इलाज कर सकें, यही सर में सबसे बड़ी खासियत। देखिए फीडबैक देखिए, और इनका सर का जितना भी तारीफ करें उतना ही कम होगा, और हमारे सामने में देखिए मैं बता दूं स्क्रीन में दिया हुआ दिए नंबर पे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं, अगर कहीं आप दूर दराज से हैं तो आप पूछ सकते हैं, सीधा कॉल कीजिएगा और आपको यहाँ की सारी सुविधा में केवल पीछे चले जाइएगा और यहाँ पे सारी सुविधा मिलेंगे, और हमारे सामने में सर आप भी हैं और अंगद सर आपके बारे में भी बहुत अच्छा बता रहे थे कि माँ के बाद मासी का ही स्थान आता है, बिल्कुल सही है सर, और आप भी सर का इतना अच्छा व्यवहार है और व्यवहार के ही कारण आज सर बहुत ऊंचे जगह पे चल रहे हैं, और सर हम लोगों को भी खोजते हैं कहाँ है और डायरेक्ट कोई घमंड नहीं है, चाहे कुछ भी रहे घमंड नाम का कोई चीज नहीं है, और इंसानियत के नाते वह काम कोई भी काम करते हैं दिल से चलते हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको जो है मैं डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद हूँ, मैं पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में है, दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज और बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, और मैं यहाँ क्योंकि हमारे दामाद और बेटी यहाँ दोनों डॉक्टर हैं जो है, और ये लोग समाज सेवा में काफ़ी जुड़े हुए हैं, इस इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ की जनता को कुछ लाभ हमें दे सकें, इस नियत से हम समय समय पर चले आते हैं, और यहाँ के लोगों को जानकर के मैं तो एक आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक वातावरण सबसे बड़ा हमको खींच लाता है। यहाँ अभी हम आ रहे थे आपको जो है कुर्सेला और पूर्णिया के बीच में मैं कुछ जगह गया, सैकड़ों यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं जिसके वजह से ये काफ़ी जगह चर्चित हो सकता है, काफ़ी लोगों को लाभ मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, तो इस ख्याल से और साथ साथ ये लोगों का टीम जो है सबसे बड़ा कि सेवा भाव से लगा हुआ है, कमाते तो सब लोग हैं लेकिन ये लोग जो है सेवा भाव से लगे हुए हैं, और सब लोगों का इस एरिया के ही मैक्सिमम डॉक्टर हैं, तो सब लोग अपने जन सेवा के ख्याल से जो है 1 घंटा 2 घंटा लोग देंगे, तो हम समझते हैं कि इस एरिया के लिए बहुत बड़ी सौगात होंगे, हम लोग भी चाहेंगे कि
यहाँ के लोग जो पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जिनकी जो है बहुत पुरानी जो है आपको बीमारियाँ हैं, जो एलोपैथिक से होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक नहीं रही है हो रही है, तो उसके बारे में जड़ी बूटियों के माध्यम से जो है हम उसको ठीक करने का प्रयास करें, उनको जागरूक करें। आप जानते हैं कि पर्यावरण आज विकराल समस्या नहीं है, पर्यावरण प्रकृति का आवरण होता है जो है, तो प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं, जल उचल हैं जो है, आपको जो है पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ सब कहीं ना कहीं जो है काफ़ी इकोनॉमिकल जो है आपकी इकोनॉमिक से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं की दवाइयाँ जो है आपको बाजार में बिकती हैं 100, 200, 400, 500 जो है टबलेट का जो है सिरप का इंजेक्शन वगैरह का होता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को अगर जागरूक किया जाए, यहाँ बेरोजगारी है, गरीबी है, तो इस बेरोजगारी गरीबी को भी जो है इन जड़ी बूटियों के माध्यम से बेहतर विकल्प दिया जा सकता है। और यहाँ के लोगों की रुचि भी है, आप हर जगह देखते होंगे कि लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं बिहार में, मैं हर जगह जाता हूँ हिंदुस्तान में, यहाँ जितना पेड़ पौधे हैं, जितना प्रकृति वातावरण है, शायद बहुत कम देखा मिलता है। तो मैं तो यहाँ के वासियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ की प्रकृति को लोग बचाए रखें। और ऐसे डॉक्टरों का मैं नमन करता हूँ कि जो जनसेवा के माध्यम से जो है हर जगह योग सेवा दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये काफ़ी नाम रोशन करेगा और यहाँ हर तरह के रोगियों के लिए जो है कम से कम पैसे में बेहतर व्यवस्था हम स्वयं से यही है हमारी कामना है और ये आशा रखते हैं कि कामना भी सर। अंतिम सवाल तो आपके फैमिली में जाते हैं, आपकी बेटी जैसा आपने बताया कि डॉक्टर बन गए, आपको कैसा लग रहा है कि डॉक्टर बन के लोगों का सेवा कर रही है और उसके पास गरीब गुरबा बहुत आते हैं, हमारे पास पैसा नहीं आता इलाज कर दीजिए, बहुत ऐसे आते हैं होंगे, आपको कैसा लग रहा है आप बेटी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दीजिए और प्रोफेसर भी हैं, बताइए सर। मैं तो बहुत गर्वान्वित होता हूँ, आपको बता दूँ कि मेरे पिताजी भी जो है डॉक्टर थे, जो है वो पुराने डॉक्टर थे, लेने में और गांव में हमारा सासाराम के पास जो है एक अनोखा जगह है, वहाँ वो प्रैक्टिस करते थे। आज भी आप 40-45 किलोमीटर में उनका एक खासियत ये था कि एलोपैथिक डॉक्टर होते होते हुए भी होम्योपैथी का आयुर्वेदिक का भी वो पूरा ख्याल रखते थे, उसकी दवाइयाँ भी देते थे। तो हमारे पिताजी का एक बहुत बड़ा ये था कि घर में हमारे जो है 10 डॉक्टर हमारे घर में हैं, लेकिन लड़कियाँ कोई डॉक्टर नहीं थी, बच्चियाँ कोई डॉक्टर नहीं थी, तो पिताजी का हमारे जो है बहुत ये था। और हमारी जो है ये थी कि हमारी बेटी भी शुरू से ही उसको जो है इस चिकित्सा सेवा के प्रति काफ़ी ध्यान, क्योंकि अपने दादा को अपने पापा को देती हुई थी। तो हमको जो है जब वो डॉक्टर हो गई और डॉक्टर होकर के डॉक्टर जो है डॉक्टर अंदर कुमार चौधरी की शनि बनी और लोगों का जो चीन देखते थे, मैं काफ़ी गौरवान्वित होता रहता हूँ और मेरा पूरा परिवार इसे जो है गौरवान्वित। सामाजिक कार्य में हमेशा लगे रहते हैं, देखते रहते हैं, आज यहाँ काम हो रहा है और हर जगह होते रहता है, धंधा पे भी चर्चा हो रहे थे। तो ये सर जो हैं और आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी थे, और हाँ तो ये क्या है था इसके बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, यहाँ सैकड़ों जड़ी बूटियाँ नहीं बता रहे थे कि आपको जो है ये देखिए गदा पूर्णा, इसको जो है पूर्णवा कहते हैं, और इसकी दवाई गोली भी मिलती है, कैप्सूल भी मिलती है, सिरप भी मिलती है और काफ़ी क्वालिटी मिलती है। ये जॉन्डिस के लिए आपको जो है किडनी के लिए जो है बहुत रामबाण है, कहीं भी शरीर में सूजन हो गया हो तो 2-4 दिन में ये ठीक होने वाला जो है कंट्रोल होने वाला ये है। और ये यहाँ मुफ्त जो है ऐसे लोग मैंने आप समझिए कि इसका गुण नहीं जानता है, इसलिए कोई नहीं करता। तो हम समझते हैं कि बहुत सारे गरीब लोगों को, अमीर लोगों को भी जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें जो प्राकृतिक तत्व है, प्रकृति के करीब है, तो इससे काफ़ी लोग ठीक हो सकते हैं। जो है आपको इसी तरह मैंने देखा कि यहाँ सामने से महिलाएं हूँ, ये केना है, केना जो है आपको जो है ये किडनी के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये दोनों को मिला करके अगर किडनी में दिया जाए तो CKD का बीमारी का जो नाम आप सुनते होंगे, CKD के बीमारी में जो है किडनी काम नहीं करता है, पूरी तरह फंक्शन नहीं करता है, बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है और क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाता है, ब्लड क्रिया बढ़ जाता है, तो ये काफ़ी उसको जो है ठीक करने में जो है सक्षम है। इसी तरह आपको जो है कि एक त्रिकोण जो है ये आप देखिए कि हाँ त्रिकोण जो है इसको जो है मिथिला के लिए ये बहुत बड़ा है, इसलिए कि आप शायद आप लोग भी मिथिला के ही ये घर में रहते हैं, तो ये मिथिला में इसका बनका लोग खाता है जो है, हम दरभंगा में काफ़ी दिनों तक रहे, तो जिस घर में अतिथि को बुलाया जाता है तो इसी का बनका दिया जाता है। ये डाइजेस्टिव माने डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी दवाई है, डायरिया डिसेंट्री हो रही हो उसमें भी काफ़ी काम करता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि सैकड़ों कहीं जाना नहीं है, ये सामने देखिए कि सहजन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है,
ये सब जो है प्रकृति का जो है, और यहाँ की सरकार को मैं यहाँ के जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पहले से जानता था कि पूर्णिया में जड़ी बूटियों पर काफ़ी काम हुआ है, अभी भी यहाँ जो है एग्रीकल्चर कॉलेज है जो है, तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को अगर इसके के प्रति जागरूक कर दिया जाए तो हमारे जो युवा वर्ग जो जा रहे हैं दूसरे देश में काम धंधे के लिए, वो इस पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं और इससे फॉरेन इकोनॉमी बहुत मिल सकती है। आप समझिए कि ये करोड़ों अरबों की संपदा जो है, हर आदमी यहाँ का जो है अगर इसकी जानकारी हो जाए तो वो लखपति हो सकता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोगों में आपसे मैं कहूँगा कि हफ्ता में 15 दिन में एक एक जड़ी बूटियों को जानकारी दी जाए, और मैं ये भी चाहूँगा कि लोग कैसे इसको प्रोसेसिंग करके दवाई के रूप में बेच सकते हैं, तो वो भी काम यहाँ कर सकते हैं। और डॉक्टरों से हमारी टीम है, उनसे भी हमारी निवेदन है, पटना में भी यहाँ आइए, मैं भी कई एक बार मैं प्रोग्राम दिया हूँ। और एक समन्वित चिकित्सा पद्धति हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये है कि साहब समन्वित जो है, जिसमें आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, जिसकी जो अच्छाइयाँ है एक टेबल पर ला करके जो है, हमारा केवल यही उद्देश्य होना चाहिए रोगी कल्याण, जन कल्याण, कि कम से कम पैसे में, और इन दवाइयों का ये भी है कि साइड इफेक्ट बहुत कम होता है जो है। तो इन सब जो है सहजन, आप देखिए कि सहजन में मैंने जितना दुनिया में अवेलेबल है कैल्शियम, उससे सबसे ज़्यादा कैल्शियम उसके पत्ते में है। आप आंवला यहाँ जो है हर जगह है जो है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी है जो है। तो इस तरह से जो है लोगों को अगर प्रचारित किया जाए तो हम समझते हैं कि लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी, और जो है लोग का मैंने हम समझते हैं कि स्वस्थ भी रहेंगे जो है, और कम से कम पैसा खर्च के वो पैसा बचा करके जो स्वास्थ्य सेवा है दूसरे सेवा में अपने एजुकेशन में और वेलफेयर में काम करेंगे तो हम समझते हैं कि बहुत बेहतर हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि इस हॉस्पिटल के प्रति जो है उनकी आस्था बढ़े, और मैं बार बार कहूँगा कि अपने ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण परिवेश में हम कैसे आत्मनिर्भर रह सकते हैं उसका जो है, क्योंकि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है, आयुर्वेदिक जो अस्पताल भी हैं वो चलन नहीं है, तो इसलिए आयुर्वेद का यहाँ प्रचार प्रसार। बिहार में कितने आयुर्वेदिक कॉलेज? बिहार में 5 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, सीमांचल में, सीमांचल में कोई भी नहीं है। तो यही सबसे बड़ा दुखद स्थिति है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब, और मिथिला महाराज का जो है आपको आधुनिक कॉलेज दरभंगा में मिला, वो बहुत पुराना था, उसका एक्सपेंशन होना चाहिए था। और आपके माध्यम से मैं मान करूँगा कि यहाँ भी हमारे पप्पू यादव जी सांसद हैं, यहाँ के विधायक भी बहुत खुशी लाल हैं, ये लोग मिलकर के मिथिला के लिए जो है, क्योंकि नेपाल यहाँ से लगा हुआ है, नेपाल में एक तरह से राज्य मैंने सरकार द्वारा मैंने वहाँ सरकार द्वारा स्वीकृत है, तो यहाँ भी अगर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया जाए तो हम समझते हैं कि भोजन की समस्या जो है, पोषाहार की समस्या जो है, रोजगार की समस्या, यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत है, इस बाढ़ में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो जड़ी बूटियों का हर क्षेत्र में योगदान है, और हम समझते हैं कि इससे बेहतर विकल्प प्रकृति की तरफ कुछ नहीं है पूरे दुनिया में, और पूरे दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से इसकी मांग बढ़ी हुई है, और सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। तो आप भी हम समझते हैं कि इसको जाकर दान करके काफ़ी आपकी हम देख रहे हैं कि आपकी उत्सुकता है, और मैं चाहूँगा कि आप जब जब बुलाएंगे तो मैं लोगों को एजुकेट करने के ख्याल से मैं आता रहूँगा जो है, और चाहूँगा कि आपकी जनता के लोगों को लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको भी, और आपके जितने श्रोता हैं इन लोगों को भी जो है, और यहाँ के जितने हमारे डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, इन लोगों का भी जो है। सर सुन रहे थे सर को, काफी आयुर्वेदिक में विशेषज्ञ, और सुनते इतना अच्छा लगा है। 15 अगस्त का सर, 15 अगस्त है जो है, सबसे पहले तो जो है स्वतंत्रता दिवस की आपको और अपनी पूरी टीम को जो है आपको बधाई देना चाहूँगा। सर का भी बहुत बधाई है, और चैनल में ही लाइव कर रहे हैं सर। सर से सबसे अंतिम है, एक मिनट सर, ये बात जो आप मांग उठाए हैं, पूरे बिहार में आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं है, यहाँ पे सर जो है बड़ी मांग रख दिए हैं यहाँ के स्थानीय सांसद जो है पप्पू यादव जी, काफी चर्चित है, लोकप्रिय भी हैं, और उनका कहना है जनता से जुड़े रहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी निवेदन है कि आयुर्वेदिक पे चर्चा, काफी विशेषज्ञ है, और सुन के आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं, जितनी भी बात को बताया है समझ सकते हैं रोजगार, और इससे कितना रोजगार उपजेगा। और इस क्षेत्र के विधायक सभी से निवेदन है कि आयुर्वेदिक पर भी ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ यह हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो खुला है उस पर जो है स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं और यहां पे हॉस्पिटल आ सकते हैं। वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बने रहिए इंजीनियर अमित पंडित कटिहार लाइव न्यूज में। जय हिंद।